हेलो दोस्तों, तो आज मैं आई हूँ मोगलाई हाट में और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते में सामान मिलती है। आप खुद ही सुनिए। दोस्तों ये खूबसूरत हाट सिर्फ 75 रुपए की है। एक पीस, छह पीस, जाओ खुशी आपका, दो पीस, चार पीस, जाओ शुद्ध 20 टाका। दोस्तों ये खूबसूरत बच्चों की स्वेटर सिर्फ 20 रुपए की है। 20 रुपए में आपको ये स्वेटर मिल जाएगी एक पीस। दोस्तों मोगलाई हाट एक बहुत ही बड़ी होलसेल मार्केट है कलकत्ता की और यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते में सामान मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर हर तरह का की सामान मिल जाती है। साड़ी आपको सिर्फ 100 रुपए में मिल जाती है, ब्यालूज 30 रुपए में, पेटीकोट 70 रुपए में, कुर्ती 50 रुपए में, लुंगी 50 रुपए में आपको यहाँ मिल जाती है और भी सब कुछ यहाँ मिलती है, बच्चों की कपड़े सब कुछ। दोस्तों यहाँ पर बड़ों की जीन्स 200 रुपए में और बच्चों की 100 रुपए के आसपास आपको मिल जाती है। और मैंने मोगलाई हाट की वीडियो बहुत सारी बनाए हैं और आप वो सब कुछ देख सकते हो। दोस्तों उस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ की डिटेल और उस दुकानदार की नंबर भी दिया हूँ। दोस्तों मोगलाई हाट कोलकाता की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है और ये होती है हर मंगलवार को रात 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक होलसेल मार्केट रहती है और उसके बाद उठने लग जाती है। तो दोस्तों आपको इस मार्केट के आने के लिए बहुत ही जल्दी आना होती है और ये मार्केट होती है हावड़ा स्टेशन के पास ही होती है। अगर आप चल के आएंगे तो 10 से 15 मिनट लगेगी। अगर बस से आएंगे तो आपको हावड़ा मैदान में उतरना है, यहीं पर होती है ये हाट। हावड़ा मैदान में होती है मोगलाई हाट जो हावड़ा स्टेशन के पास ही है। और अगर आप मोगलाई हाट से सामान खरीदते हो तो ट्रांसपोर्ट कर आप किसी और शहर में ले जाना चाहते हो वो भी बहुत ही आसान है, ये है हावड़ा स्टेशन। दोस्तों यहाँ वीडियो बनाना की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैंने जितना हो सके उतना कोशिश किया कि वीडियो बनाने की। दोस्तों अगर आप हावड़ा स्टेशन से ट्रांसपोर्ट कर सामान ले जाना चाहते हो किसी और शहर में तो आपको हावड़ा स्टेशन में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है, उनसे कहिएगा कि आपको सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहाँ जाना है, तो वो आपको एक ऑफिस दिखा देगी जो हावड़ा स्टेशन के अंदर ही है। वहाँ पर आपके सामान कौन सा सामान है और उसकी वजन किया जाएगी और फिर उसकी उस हिसाब से रसीद बना दिया जाएगा। रसीद बना देने के बाद वो ट्रेन की जिम्मेदारी हो जाएगी और आपको बता दिया जाएगी कि किस दिन वो पहुँचेगी। आपको बस उस स्टेशन से रिसीव करना होगा आपका सामान। दोस्तों चेकिंग के लिए आपको वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ये दोनों साथ रखिएगा। दोस्तों जिस ऑफिस में सामानों की वजन किया जाता है और उसकी रसीद बनाया जाता है, मैं उस ऑफिस का वीडियो बनाना चाहती थी पर उसकी इजाज़त नहीं मिली, तो मैंने कहा कि क्या मैं एक फ़ोटो ले सकती हूँ, तो मुझे उसका भी इजाज़त नहीं मिली। पर फिर भी अगर आप सामान ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो हावड़ा स्टेशन से आपको बहुत ही आसानी से ये हो जाएगी। आपको बस एक ऑफिस में जाना है, अपने सामान को सामान की रसीद बनाना है, जो वो लोग वजन के हिसाब से कौन सा चीज़ ले रहे हो ये सारे देखकर उसकी रसीद बना देगी, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। वो फिर आपको बता दिया जाएगी कि कौन सा दिन आपका सामान पहुँचेगी, आपको बस उस दिन उस स्टेशन से आपका सामान रिसीव करना होगा। और ये सारे काम हावड़ा स्टेशन के अंदर ही हो जाता है, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे काम हावड़ा स्टेशन के अंदर ही होता है। आप हावड़ा स्टेशन के अंदर किसी भी सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रहता है, तो आप किसी से भी पूछिएगा कि सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो आपको दिखा देगी वो ऑफिस जहाँ पर सामानों की ट्रांसपोर्ट के लिए जहाँ वजन किया जाता है और उसका रसीद बनाया जाता है। बस आपको वहाँ जाकर उसकी रसीद बना लेनी होगी, बस आपका काम हो जाएगी। आप हावड़ा स्टेशन से किसी भी शहर में आप अपना कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट कर सकती हो, बहुत ही आसान है, बस आपको हावड़ा स्टेशन में ही तो जाना है। और मोगलाई हाट दोस्तों हावड़ा स्टेशन की बहुत ही पास होती है। आप चल के जाएंगे हावड़ा स्टेशन से तो मोगलाई हाट सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है। हावड़ा मैदान में होता है मोगलाई हाट और हावड़ा मैदान हावड़ा स्टेशन की बहुत ही पास है, इसलिए दोस्तों आप बहुत ही आसानी से हावड़ा स्टेशन से अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हो।
दोस्तों वोटर कार्ड और आधार कार्ड साथ रखिएगा। चेकिंग के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों अगर आप मुगलर हाट से सामान ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो एक बार मुगलर हाट ज़रूर आइएगा, सामान देखिएगा, फिर आपको अच्छा लगे तो ही खरीदेगा। मुगलर हाट बहुत ही बड़ी मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारे सामान मिलती है और बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलती है, पर वहाँ पर अच्छे बुरे दोनों सामान ही देखने को मिल सकता है, इसलिए आप देख कर ही खरीदिए तो अच्छा होगा। दोस्तों आपको एक बार मुगलर हाट में विज़िट करना चाहिए, आप यहाँ आइए, अच्छे से सामानों को देखिए, अगर अच्छा लगेगा तभी ही खरीदेगा, और अगर आप ट्रांसपोर्ट कर किसी और शहर में ले जाना चाहती हो तो भी बहुत ही आसानी से आप ये हावड़ा स्टेशन से कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।